आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यदि आपको भरपूर पैसा चाहिए तो आपको पानी की तस्वीर लगानी है, कहाँ लगानी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र और फेंगशुई के अनुसार घर में चीज़ों के स्थान से घर के लोगों को बिजनेस में फ़ायदा मिलता है और घर की आय कायम रहती है। लेकिन अगर घर में चीज़ें वास्तु के अनुसार नहीं हैं तो घर के सभी सदस्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेहनत करने के बावजूद भी पैसे नहीं टिकते हैं। अगर आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है या घर में बरकत नहीं हो रही है तो हम आपको बताने जा रहे हैं फेंग शुई के अनुसार पानी का स्थान क्या है जिससे घर के लोग को फायदा मिले और घर में बरकत बनी रहे। पहली चीज, घर के लोगों की बरकत बनाए रखने के लिए पानी के शोपीस या तस्वीरें बालकनी में रखना चाहिए। इससे घर में बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है, घर के लोगों की बरकत बनी रहती है। पानी से भरे बर्तन को घर के पूर्व और उत्तर में रखना चाहिए। ऐसा करने से घर के लोगों का बुरा समय खत्म हो जाता है और हर काम में उनको सफलता प्राप्त होती है। किचन में पानी से संबंधित चीज़ें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, घर के लोगों की आय प्रभावित होती है। किचन में पानी के शोपीस रखने से घर में कलह, लड़ाई और झगड़े बढ़ते हैं। अगर आपके घर में गार्डन है और वाटरफॉल लगा हुआ है या लगवाना चाहते हैं तो ध्यान रहे वाटरफॉल घर की दिशा में होना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि और बरकत बढ़े। वाटरफॉल का कभी भी घर के बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में फाउंटेन लगवा रहे हैं तो इसे घर के उत्तर दक्षिण पूर्व दिशा में लगवाएं जिससे घर में गुड लक बना रहेगा और घर के लोग की तरक्की होगी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।